जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ, जो कि है ISA 570 गोइंग कंसर्न। ISA 570 गोइंग कंसर्न। अच्छा, अभी तो हम 700 की सीरीज कर रहे थे, हमने देखा ISA 700 में अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, फिर हमने सीखा ISA 705 मॉडिफाइड ओपिनियन, फिर सीखा 706 एमसीस ऑफ मैटर और अदर मैटर। तो अब ये 500 की सीरीज के ऊपर कैसे आ गए? इसलिए कि ऑडिट रिपोर्ट में जो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आता है, उसकी डिस्कशन 570 में है। और 570 में चूंकि ज्यादातर प्रोसीजर डिस्कस हुए, आपको बताया था ना कोडिंग स्टैंडर्ड की, 500 से क्या मुराद है, 700, ये स्टेजेस ऑफ ऑडिट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। 200 का मतलब है बेसिक कंसेप्ट, 300 का मतलब यह है प्लानिंग स्टेज, और फिर 400 और 500 600 का मतलब यह है एविडेंस गैदरिंग स्टेज, 700 का मतलब है रिपोर्टिंग स्टेज। तो ये बेसिकली एविडेंस कलेक्शन की स्टेज है, लेकिन साथ ही साथ इंप्लीकेशन ऑन रिपोर्ट भी डिस्कस होती है स्टैंडर्ड में। ज्यादातर हिस्सा चूंकि प्रोसीजर से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये 500 सीरीज का स्टैंडर्ड है। क्या हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं? आपने अगर वो फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा हो तो उसमें एक पैराग्राफ ये भी था, बिल्कुल करते हैं। और वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करते हैं? ISA 570। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड को, इस स्टैंडर्ड में तीन चीजें बताता है, ISA 570 में तीन चीजें बताता है, गोइंग कंसर्न के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजमेंट और ऑडिटर की, दूसरे नंबर पे ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, और तीसरे नंबर पे उसकी रिपोर्ट पे डिफरेंट इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम स्टैंडर्ड है, खास तौर पे रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन और ऑडिट प्रोसीजर का एक एरिया भी अहम है। तो स्टार्ट करते हैं हम ISA 570 रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और ध्यान में रखिएगा मैंने आपको तीन एरियाज बताए हैं 570 के, कौन कौन सा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसीजर, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना तो पूरा तकरीबन 70% स्टैंडर्ड के कंसेप्ट क्लियर हो गए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन समझ लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है गोइंग कंसर्न के हवाले से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है गोइंग कंसर्न के हवाले से। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है, कौन सी फाइनेंशियल, जनरल पर्पस, तो उसने असेस करना है क्या हमारी कंपनी अगले 12 महीने तक चल सकेगी। अगर अगले 12 महीने तक चल सकेगी कंपनी तो मैनेजमेंट कहेगी हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है, और गोइंग कंसर्न होने का इफेक्ट क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन करते हैं कि कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज 12 महीने के अंदर एडजस्ट होंगी, कुछ 12 महीनों के बाद एडजस्ट होंगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट असेस करे और उसे पता चले कि हमारी कंपनी तो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, वो खत्म में भी अपनी मर्जी से लिक्विडेट करना चाह रहे हो एंटिटी को, या में भी हालात ऐसे आ गए हैं जैसे कंटिन्यूइंग लॉसेस हैं, लाइबिलिटीज पे करने के लिए पैसे नहीं है, प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो रही हैं, रेगुलेटर्स ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकती हैं। अगर मैनेजमेंट ये सोच रही है और नजर आ रहा है कि कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, तो हम इसे क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट ना हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आता है, सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन चेंज हो जाती है, वो करंट आ जाते हैं, और मार्केट वैल्यू पे रियलाइजेबल, क्योंकि अब उनको यूज करके फायदा नहीं उठाना है एसेट से, उनको सेल करके फायदा उठाना है, तो उनको हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं सबको। इसका मतलब ये हुआ, सारी एग्जाम्पल बताने का मकसद ये कि आपको पता चल जाए गोइंग कंसर्न अजम्पशन ट्रू होने या ना होने का इफेक्ट हमेशा परवेसिव होगा।
अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है, ट्रू नहीं है, तो इसका इफेक्ट हमेशा क्या होगा? पर क्योंकि ये तकरीबन हर एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो यही हमें बता रहा है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये है कि उसने असेस करना है कम अज कम अगले 12 महीनों के अंदर एंटिटी इस काबिल है कि वो अपना काम चला सके, अपनी दुकान चलाती रहे, बिजनेस चलाते रहे, ठीक है। और ये गोइंग कंसर्न की असेसमेंट चाहे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन की असेसमेंट इन्होंने लाजमी करने है, ठीक है। आपको पता है एक रिक्वायरमेंट है रिलेटेड पार्टीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की, ये कौन सा स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है? IS 24, है ना। लेकिन अगर किसी कंपनी का फ्रेमवर्क IFRS नहीं है और उसमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कर रही होगी? नहीं कर रही होगी। लेकिन गोइंग कंसर्न चूंकि ज्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए इसमें उन्होंने लिख दिया चाहे फ्रेमवर्क रिक्वायर करे चाहे ना करे, हर मैनेजमेंट ने जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है हर साल ये असेस करना है कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, और उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी। अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाई जाएंगी? गोइंग कंसर्न के मुताबिक। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है यानी कंपनी बंद होने जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस के ऊपर बनाई जाएगी? नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर, ठीक है। और अगर सिचुएशन दरमियानी सी है तो फिर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। यहां पे सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ देयर आर इवेंट्स एंड कंडीशंस कास्टिंग डाउट, उनको डिस्क्लोज करना है। इवेंट्स या कंडीशन से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड ने लिस्ट दी हुई है। स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ ऐसे एडवर्स इवेंट्स या कंडीशन होते हैं जो कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हैं, जैसे कंपनी का मेजर डेटर्स जो है बैंकरप्ट हो जाए, जिनको हम 30%, 40%, 50% सेल कर रहे थे, कंपनी की मेजर प्रोडक्ट्स जो कि हमारी टोटल सेल्स का 50%, 60%, 70% थी वो फ्लॉप हो जाए, रेगुलेटर लाइसेंस कैंसिल कर दे, कंटिन्यूइंग लॉसेस हो, इक्विटी नेगेटिव हो जाए, करंट रेशो एडवर्स होती जाए, हमारी की मैनेजमेंट जिनकी बेस के ऊपर, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनके जो डायरेक्टर्स की डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर चल रही होती है, वो छोड़ के चले जाएं, नए कंपेटिटर आ जाएं जिसकी वजह से हमारी अब सेल नहीं हो रही, ये सारे इवेंट्स या कंडीशन है। उसने और भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये सारे इवेंट्स या कंडीशन हैं जो कि डाउट क्रिएट करेंगे। तो स्टैंडर्ड शुरू होता है सबसे पहले इस बात से कि मैनेजमेंट देखे क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे कोई इवेंट्स या कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहे हो। अगर इवेंट्स या कंडीशन ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए हैं कुछ एक, बाकी और भी लिस्ट है वो आपने पढ़नी है, तो क्या करना है मैनेजमेंट ने? बताइए क्या करना है? उसको डिस्क्लोज करना है इवेंट्स या कंडीशन को। क्लियर? आगे चलें। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी हो इसको भी डिस्क्लोज करना है। यहां पे एक अजीब बात सुनिए, एक है इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करना जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हो, सिर्फ इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करना ये और चीज होती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट हो रही हो ये और चीज होती है, दोनों में फर्क है। जैसे आपको पता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर कंपनी को हर साल फेस करनी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की ना इवेंट्स एंड कंडीशन, इसमें अगर आप देखें आप प्रैक्टिकली जिस भी क्लाइंट पे है जाके उधर देख ले, 2-3 एग्जांपल उस क्लाइंट पे भी आपको फिट होती नजर आ रही होंगी, ठीक है। वो इवेंट्स या कंडीशन होती है, लेकिन उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आप देखेंगे ना उसमें मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा नहीं आ रहा होगा। क्यों? सुन लीजिए, इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हो ना तो फिर देखा जाता है क्या मैनेजमेंट के पास इतनी एबिलिटी है कि वो इन इवेंट्स या कंडीशन को हैंडल कर सके। जैसे अगर इवेंट या कंडीशन, कंपनी की मेजर प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, ये इवेंट या कंडीशन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न अभी नहीं बना,
हम मैनेजमेंट से उसका प्लान ऑफ एक्शन पूछेंगे, सर क्या प्लान है? कहेंगे बेफिक्र रहे सर, हमारी एक दूसरी प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट फेज में है, बस तकरीबन बन गई है, उसको लॉन्च करना है हमने, कोई मसला नहीं। अब बताइए क्या ये इवेंट या कंडीशन था, क्या ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न बना? नहीं बना। लेकिन अगर मैनेजमेंट कहे सर जी बस एक ही प्रोडक्ट थी उसी के आसरे पे हम चल रहे थे, अब वो भी गई तो समझे हम भी गए, अब मटेरियल अनसर्टेनिटी है। दूसरी एग्जांपल, अगर पता चले लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, इवेंट्स या कंडीशन है जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हो रहे हैं, मैनेजमेंट से पूछेंगे सर कोई प्लान है आपके पास इसको मैनेज करने के लिए? अगर तो मैनेजमेंट कहे जी सर प्लान है, क्या हमने पूछना है फिर क्या प्लान है? कहेंगे सर बैंकर से बात की है, वो मजीद लोन देने के लिए तैयार है। सर बैंकर से बात की है, वो लोन की जो ड्यू डेट है उसको बढ़ाने को तैयार है। सर हमने एक बड़े शेयर होल्डर से बात की है, वो हमारे फर्दर शेयर्स खरीदने को तैयार है। अगर तो मैनेजमेंट के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है जो हमें लगे कि फिजिबल है, इसका मतलब है इवेंट्स या कंडीशन तो है लेकिन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं है। समझ आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? इवेंट्स या कंडीशन होना और चीज है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न होना और चीज है। अगर मैनेजमेंट के पास प्लान ऑफ एक्शन है तो फिर इवेंट या कंडीशन तो है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी कोई नहीं। लेकिन अगर मैनेजमेंट के पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है 50-50। और अगर फर्स्ट कीजिए मैनेजमेंट डिसाइड कर चुकी है कि बस सर अब हमने बंद कर देनी है कंपनी, फिर अब ये अनसर्टेनिटी नहीं रही, फिर कंफर्म हो गया गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। तो तीनों चीजों में फर्क है, इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करना और चीज है, इसके बाद हमने देखना है मैनेजमेंट के पास प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं वैलिड। अगर वैलिड प्लान ऑफ एक्शन है तो नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, और अगर वैलिड प्लान ऑफ एक्शन नहीं है मटेरियल अनसर्टेनिटी। और अगर वैलिड प्लान ऑफ एक्शन नहीं और मैनेजमेंट डिसाइड भी कर चुकी है कि हमने वाइंड अप करना, तो फिर हम क्या कहेंगे? गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। भाई यहां तक बात समझ आई? अच्छा अब देखिए यहां पे कह रहा है, अब देखिए आपको दोनों में फर्क समझ आया होगा कि अगर इवेंट्स या कंडीशन है उसको भी डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने, अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है इसको भी डिस्क्लोज करना है। दोनों में फर्क कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। जब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न होना, इसमें भी डिस्क्लोजर दे रही है मैं, लेकिन इसके आगे खास तौर पे लिख देती है कि इस इशू की वजह से, यहां पे सिर्फ इशू बता रहे होंगे लेकिन यहां पे इशू को बताने के साथ साथ आगे ये भी बता रहे होंगे कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है। प्रैक्टिकली ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है रेगुलेटर्स ने या जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते हैं कि कंपनीज क्या करती है, जैसे इवेंट या कंडीशन है तो डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारे जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन बैंक्स के साथ निगोसिएशन हो रही है और वो हमारा लोन रोल ओवर कर देंगे, ये इवेंट या कंडीशन है। इवेंट या कंडीशन का यहां पे डिस्क्लोजर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न होना तो ये डिस्क्लोजर यहां पे कंप्लीट नहीं होता, इसके आगे एक लाइन और लिखनी होती है, दिस इशू क्रिएट्स डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ताकि यूजर को पता चल जाए कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। प्रैक्टिकली ये आखिरी वाली लाइन नहीं लिखते जो कि गलत है। अगर मटेरियल याद रखें इवेंट्स या कंडीशन में और गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी के डिस्क्लोजर में फर्क क्या है भला? इसमें भी वही मैटर डिस्क्लोज हो रहा होगा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में भी वही मैटर डिस्क्लोज हो रहा होगा, लेकिन यहां पे मैटर के एंड पे एक लाइन भी लिखी होगी क्या कि इस इश्यू की वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है फिर क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी है। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस को हम लिक्विडेशन बेसिस भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू बेसिस भी कहते हैं। भाई यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताइए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसने क्या हर साल असेस करना है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं? हर साल असेस करना है। किस वक्त असेस करना है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही होगी, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज क्या है? पहली पॉसिबिलिटी कि कोई इवेंट या कंडीशन नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। दूसरी पॉसिबिलिटी इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या करना है?
उनको डिस्क्लोज करना है। और अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके साथ प्लान ऑफ एक्शन नहीं है और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो रही है, अब क्या करना है? इसको भी डिस्क्लोज, लेकिन अब डिस्क्लोजर ज्यादा बड़ा होगा। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं, अल्टरनेट बेसिस पे बनेगी, नॉन गोइंग। ये तो हो गया मैनेजमेंट ने क्या काम करना है। अब सुन लें ऑडिटर ने क्या काम करना है। ऑडिटर ने आते ही सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है? ये हमारा एक रिस्क असेसमेंट का स्टैंडर्ड है IS 315। वो ये कहता है कि जब कभी ऑडिटर ऑडिट शुरू करे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे, ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है। फिर हर स्टैंडर्ड के लिहाज से वो उसमें रिक्वायरमेंट इंक्लूड कर देता है। जैसे हम गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, इसमें बता रहा है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब आप परफॉर्म कर रहे होगे ना, जो 315 कर रहा है, उसमें आपने ये भी देखना है कहीं कोई इवेंट या कंडीशन तो नहीं है जो डाउट क्रिएट कर रहे हो। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं आपने किस लिए? ताकि अगर कोई इवेंट या कंडीशन है वो आइडेंटिफाई हो जाए, इसमें इंक्वायरी वगैरह होती है, ऑब्जर्वेशन वगैरह होती है। अगर इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करना है ऑडिटर ने? ऑडिटर ने देखना है प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, यानी मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन कंफर्म करना है, उसको वैलिडेट करना है। किस लिए? ताकि पता चल जाए ये सिर्फ इवेंट या कंडीशन है कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है इसकी वजह से, ठीक है? और फिर कंक्लूड करना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, ये देखिए तीन पॉइंट्स है, तीनों सेवेरिटी के लिहाज से जितना सवेर है, सबसे ज्यादा सवेर, सबसे कम सवेर, और ये मिडल वाली सिचुएशन है। या तो इवेंट्स या कंडीशन होंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं होगी, या उससे अगली सिचुएशन मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी, या उससे भी अगली सिचुएशन गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर ने ये चीजें वैल्यूएट करनी है, क्लियर? आगे चलते हैं, ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है। ऑडिट प्रोसीजर हमने ये पढ़ा कि उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई कोई इवेंट्स या कंडीशन ऐसे हैं जो डाउट क्रिएट करते हो गोइंग कंसर्न के ऊपर। अब ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमने पढ़े ना, ये कहां आ गए? लेकिन याद रखिएगा ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है स्पेसिफिक टू गोइंग कंसर्न। आगे चल के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएंगे जनरल भी IS 315 के, जो हर तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं जो हर तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हैं, वो जनरल IS 315 में लिखे हैं। कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं जो स्पेसिफिक इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से हैं? जो स्पेसिफिकली गोइंग कंसर्न के लिए है। आगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएंगे जो स्पेसिफिकली फ्रॉड के लिए होंगे। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएंगे जो स्पेसिफिकली सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए होंगे, ठीक है? फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएंगे जो स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टी के लिए होंगे। तो यह है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कैसे ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि कोई इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं जो डाउट क्रिएट कर रही है एंटिटी की एबिलिटी पे? ऑडिटर देखेगा कि क्या मैनेजमेंट ने अपनी असेसमेंट की है या मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं की। अगर मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं की, ठीक है, कोई डिटेल असेसमेंट नहीं की, तो ऑडिटर उनसे पूछेगा अच्छा आपने किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, और क्या कोई इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है जो डाउट क्रिएट कर रही हो। इसकी कहानी सुन लें। स्टैंडर्ड कहता है मैनेजमेंट ने ये सारी असेसमेंट करनी है ना, लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रॉफिट में है और उसके पास कैश रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उसे डिटेल असेसमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट को जितने मर्जी मसले मसाइल हों, अगर ये दो चीजें हैं ना मैनेजमेंट के पास, एक प्रॉफिट और दूसरा रेडी कैश अवेलेबल हो, तो उसकी गोइंग कंसर्न को प्रॉब्लम कोई नहीं है। इस सूरत में मैनेजमेंट ने डिटेल असेसमेंट नहीं की होगी। डिटेल असेसमेंट नहीं की होगी तो ऑडिटर उनसे पूछेगा अच्छा भाईजान बता दीजिए आपने डिटेल असेसमेंट क्यों नहीं की। मैनेजमेंट कहेगी क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी है कैश भी है। तो ऑडिटर फिर पूछेगा अच्छा स्टिल क्या ये पॉसिबल है? गोइंग कंसर्न का इश्यू तो नहीं है, लेकिन शायद कोई ना कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन हो जो डाउट क्रिएट कर रहा हो।
तो वो ऑडिटर ने वो उनसे पूछ लेना, पूछ लिया। और अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट की हुई है, मैनेजमेंट ने गोइंग का कोई इवेंट या कंडीशन था, मैनेजमेंट ने डिटेल असेसमेंट की है, ऑडिटर वो असेसमेंट मैनेजमेंट की डिस्कस करेगा और जो इवेंट्स या कंडीशन मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, मैनेजमेंट से पूछेगा कि वो आपने कैसे एड्रेस करने हैं, ठीक है। और फिर खुद भी थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहेगा। मेन सुन लीजिए, जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है इस प्रोसीजर का, मकसद क्या है? इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करना। इन दो प्रोसीजर में हम मैनेजमेंट से डिस्कशन करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम खुद अलर्ट हो रहे हैं थ्रू आउट ऑडिट के, खुद से भी हमें अगर कोई इवेंट या कंडीशन नजर आ जाए, हमने उसके ऊपर भी एक्शन लेना है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब परफॉर्म कर लेंगे, अब देखिए, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा अहम एरिया है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, इसके नतीजे में या तो हमें इवेंट या कंडीशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसे ही है। अगर नहीं मिलेंगे स्टैंडर्ड यही खत्म। अगर इवेंट्स या कंडीशन हमें मिलेंगे, नजर आएंगे, तो हमने क्या करना है, उनके ऊपर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी तो क्रिएट नहीं हो रही। अगर मैनेजमेंट ने हमें बता दिया इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई हुए हैं, और याद रखिए एग्जाम का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, एग्जाम का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, वो आपको किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा केस स्टडी में, और आपसे कहेगा ये आपका क्लाइंट है, इसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो गई हैं, इसके बिजनेस ऑपरेशन सस्पेंड हो गए हैं, और इस तरह के मसले मसाइल बता रहा होगा। कहेगा आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, प्रोसीजर पूछेगा। कुछ प्रोसीजर है हमारे जनरल, वो कोई भी इवेंट या कंडीशन हो, जैसे मैंने आपको 5-6 इवेंट या कंडीशन की एग्जाम्पल बताई है ना, नोट्स में और भी, स्टैंडर्ड में और भी इवेंट या कंडीशन है, कोई भी इवेंट या कंडीशन हो, कुछ प्रोसीजर आएंगे हर केस में, और कुछ प्रोसीजर होंगे जो कंडीशन स्पेसिफिक है। हर केस में क्या आएंगे, हमने मैनेजमेंट से कहना है सर आप जरा अपनी, अगर ऑलरेडी असेसमेंट नहीं की, ये इवेंट या कंडीशन सामने आया है, जरा डिटेल असेसमेंट कर लें। मैनेजमेंट के पास कोई ना कोई प्लान होगा, वैल्यूएट करेंगे कि वो प्लान फिजिबल है कि नहीं। कैश फ्लो फॉरकास्ट अगर मैनेजमेंट ने बनाया है, उसको चेक करेंगे, मैनेजमेंट की फ्यूचर की कैश फ्लो फॉरकास्ट रीजनेबल एस्टीमेट्स और जजमेंट्स के ऊपर बेस कर रही है कि नहीं, ऑप्टिमिस्ट तो नहीं है। मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि सर फ्यूचर के बारे में आपने जो हमें प्लान बताया है, आप उसके मुताबिक ही एक्ट करेंगे, और अगर कोई एडिशनल सब्सिक्वेंटली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको कंसिडर करेंगे। यह है जनरल प्रोसीजर, ठीक है। कुछ प्रोसीजर होंगे जनरल, कुछ होंगे स्पेसिफिक। अब जरा गौर से सुनिएगा, एग्जाम में इस स्टैंडर्ड को टेस्ट कैसे करेगा, वो हमें किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और हमें बता रहा होगा इस क्लाइंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इवेंट्स या कंडीशन की लिस्ट है ना, उस लिस्ट में से कोई 1, 2, 3 या 4 इश्यूज उठा के केस स्टडी में उसने मेंशन किए होंगे, और आपसे पूछेगा बताओ इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। 4 इश्यूज हैं और नीचे रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ उसने, बताओ इस क्लाइंट पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अगर तो मार्क्स ज्यादा हैं, आपने आंखें बंद करके ये प्रोसीजर सारे लिख देने हैं। ये जनरल प्रोसीजर है, ये ऐसे प्रोसीजर है जो हर इवेंट्स या कंडीशन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको लिखने से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर भी मेंशन करने हैं। स्पेसिफिक प्रोसीजर से क्या मुराद है, स्पेसिफिक प्रोसीजर से मुराद है जो इश्यू उसने क्वेश्चन में डिस्कस किया है उसको कैसे एड्रेस करेंगे। जैसे फर्ज कीजिए एक क्वेश्चन में उसने पूछा, उसने कहा ये पास पेपर के क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन उठा के आपके सामने रख रहा हूं, उसने कहा आपका एक क्लाइंट है, उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं, आपने उनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा सर बैंक के साथ हमारी निगोशिएशन चल रही है और उम्मीद है कि वो हमारा लोन एक्सटेंड कर देंगे।
पहले तो मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में बाकी की इन्फॉर्मेशन को साइड पे रखे, इस इन्फॉर्मेशन से कि लिक्विडिटी इशू चल रहे हैं और बैंक के साथ निगोशिएशन चल रही है, गोइंग कंसर्न के ऊपर पहुंच गए आप कि इवेंट या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब बताइए, क्या ये जनरल प्रोसीजर लिख देना काफी है कि उस स्पेसिफिक इवेंट के अकॉर्डिंगली भी प्रोसीजर लिखना है? और ये वो चीज है जो स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड ने ये आपको जनरल गाइडेंस तो दी है कि ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिक इशू क्या क्या हो सकता है इसके बारे में स्टैंडर्ड में गाइडेंस नहीं है। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। ये पास पेपर में मौजूद है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आप पास पेपर के ऊपर रिलाय ना करें, आप खुद से सोचें। इसलिए कि ये कंसेप्ट तीन जगहों पे यूज होगा, एक आईएसए 570 में पूछता है, फिर हमारा एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का आगे स्टैंडर्ड आएगा, उसमें भी हमें कोई ना कोई सिचुएशन दे के पूछता है बताओ इसमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, और फिर एक आता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड, उसमें भी बताता है कि मैनेजमेंट ये कह रही है कि फ्यूचर में हमारा ये प्लान है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये प्लान रीजनेबल है। स्टैंड आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज, आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज कि अगर इनमें से कोई भी इशू वो क्वेश्चन में प्रेजेंट कर दे, आप इस काबिल हो कि बता सके इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जी उसने कहा जी हमारी बैंक के साथ निगोशिएशन चल रही है और अनकरीब लोन की एक्सटेंशन मिल जाएगी, आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? कम अज कम दो तीन प्रोसीजर बताइए। इस सिचुएशन बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे उनकी, शाबाश, और कंफर्मेशन बैंक को सेंड करेंगे जिनमें उनसे पूछेंगे बताइए कि क्या आप इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, और नहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी इसमें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से किस चीज के लेंगे? क्या हम मैनेजमेंट ये सब्सिक्वेंट टू द ईयर देखना चाहिए कि बैंक ने इसको अप्रूव कर दिया कि नहीं लोन को? ये है कंसीडर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक जी। लास्ट मैनेजमेंट ने ये रेंट के ऊपर सिचुएशन ये थी कि मैनेजमेंट कह रही थी बैंक अनकरीब इसको रोल ओवर कर देगा, ठीक है। हमने ये रेंट के बाद ये देखना है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले पहले क्या बैंक ने वाकई इसको रोल ओवर कर दिया कि नहीं कर दिया, क्लियर। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन में ये कहे कि हमारा एक मेजर कस्टमर था वो बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, इसको हम 40% ऑफ टोटल सेल्स करते थे, आंसर इवेंट या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट कर रहा हो, आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कंफर्म करने के लिए कि ये इवेंट या कंडीशन मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, रिजॉल्व हो गया? जी मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि क्या आपने अल्टरनेट सप्लायर अल्टरनेट कस्टमर ढूंढा है, ठीक है, क्या आपने अपनी कस्टमर बेस को इंक्रीज करने की कोशिश की, अगर किया तो किस तरीके से? अगर प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई है, क्वेश्चन में ये कहता है प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे अल्टरनेट प्रोडक्ट? और मैनेजमेंट अगर डेवलपमेंट फेज में है तो डेवलपमेंट देखेंगे हो रही है कि नहीं, मार्केट में रिसर्च किया कि नहीं की उन्होंने, ठीक है। इसी तरह फर्ज कीजिए कि लोन पे डिफॉल्ट है, आपको पता चला कि जी लोन एग्रीमेंट हुआ था और मैनेजमेंट ने डिफॉल्ट किया है, उसको रीपे नहीं कर सके टाइम पे, एक तो इसका इशू आ गया ना गोइंग कंसर्न का कि उनके पास पैसे ही नहीं है उसको रीपे, क्या कोई और इशू भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर? क्लासिफिकेशन का इशू, क्या क्लासिफिकेशन का इशू होगा कि उसको करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करना हो क्योंकि लोन इमीडिएटली रीपेबल, एक और इशू होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बताइए जी डेट कोविनेंट की वायलेशन हुई है लेकिन इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट क्या आएगा? एक इन्होंने कहा इंपैक्ट आएगा हमारा कि क्लासिफिकेशन चेंज होगी, और क्या इंपैक्ट होगा? अगर उस वायलेशन की वजह से कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बैंक नॉर्मली कोई पेनल्टी को डिफॉल्ट करे ना तो पेनल्टी पोज कर, उसकी प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी है हमने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में अगर वो ये कह देता है कि कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज हुई है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट थी उसकी नॉन कंप्लायंस की और रेगुलेटर्स ने कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, इशू है? अब बताइए आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे?
इसकी एडिक्वेट अकाउंटिंग या डिस्क्लोजर को इंश्योर करना। लॉयर्स ओपिनियन लेंगे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है और पॉसिबल पेनल्टी, देखेंगे कि वो रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, इस इशू को देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, सब्सिक्वेंट आउटकम क्या है इन्वेस्टिगेशन का शब्द। तो बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूं कि इनमें से वो कोई भी आपको सिचुएशन एग्जाम में दे सकता है। आपने याद रखिए, जब वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस कर देता है ना, हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है उस स्पेसिफिक इवेंट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बताने। और मुझे सिर्फ यही इशू है कि क्या अगर वो आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर एग्जाम क्वेश्चन में दे देता है, क्या आप उनको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर मेंशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत। और प्रॉब्लमेटिक चैलेंजिंग इसलिए होता है कि एग्जाम जो स्टैंडर्ड है उनमें ये प्रोसीजर नहीं दिए हुए, उसने सिर्फ जनरल प्रोसीजर बताए हुए हैं, ये आपको स्टैंडर्ड में मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ पास्ट पेपर में मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पास्ट पेपर के ऊपर जाने से पहले आप अपनी जजमेंट की बेस पर डिसाइड करें, जैसे आपने मुझे कुछ प्रोसीजर बताए हैं। हर इवेंट के 2-3 प्रोसीजर काफ़ी है, 3 प्रोसीजर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सोचना, 3 प्रोसीजर काफ़ी है। भी क्लियर हुई है बात? चलिए अभी ये फर्दर जब हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे ना, उसमें इन्फॉर्मेशन आएगी, तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने अभी तक के लेक्चर में ज़रा क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन की तरफ जाना है, लेकिन चूंकि नमाज के लिए ब्रेक है तो उससे पहले मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। गोइंग कंसर्न में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसने हर साल असेस करना है और देखना है कि कोई इवेंट या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट करता हो। अगर इवेंट या कंडीशन है तो क्या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है? अगर है तो उसको भी डिस्क्लोज करना है, और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस ही चेंज हो जाएगी, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस बन जाएगी। क्लियर? एज ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये ढूंढने के लिए कि कहीं कोई इवेंट्स या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट करते हों। अगर इवेंट्स या कंडीशन नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड यहीं खत्म। अगर इवेंट्स या कंडीशन है तो हमने क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करना है कि कहीं वो मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं बन रहे। और कैसे कंफर्म करेंगे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? वो प्रोसीजर दो तरह के हैं। एक वो जनरल प्रोसीजर है जो हर इवेंट या कंडीशन के लिए रेलिवेंट है, और एक वो जो कि स्पेसिफिक हैं इवेंट या कंडीशन से रिलेटेड। जो भी इवेंट या कंडीशन होगी उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। आपने आज घर जाके क्या करना है, सबसे अहम काम जो इवेंट्स या कंडीशन की लिस्ट दी हुई है ना नोट्स में या स्टैंडर्ड में, अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें लिस्ट दी हुई है, आपने हर इवेंट या कंडीशन को पढ़ना है और अपने जहन में कम से कम दो प्रोसीजर लेके आने हैं कि अगर एग्जाम में उसने हमें ये इवेंट्स या कंडीशन दे दिया तो इस चीज को कि आपके क्लाइंट पे ये इशू आ रहा है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। हर इवेंट्स या कंडीशन के कम से कम दो प्रोसीजर आपने सोचने, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, अगर ज्यादा मार्क्स का हुआ तो आपने जनरल प्रोसीजर और स्पेसिफिक प्रोसीजर जो जो उसने इवेंट दिया दोनों लिखने होंगे, और अगर कम मार्क्स का है तो फिर आपने स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखना है। याद रखिए स्पेसिफिक प्रोसीजर ज्यादा अहम है, स्पेसिफिक प्रोसीजर। आई के आपने 3-4 जो मैंने क्वेश्चन देखे गोइंग कंसर्न के, उनमें उसने एक में तो दोनों प्रोसीजर लिखे हुए हैं उसमें मार्क्स ज्यादा थे, और बाकी क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखे हुए हैं, और ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगा आगे। मैंने आपको बताया दो और स्टैंडर्ड में सिमिलर नॉलेज यूज करना है हमने, तो ये काम कर लेंगे क्या भला। आज के दिन में कुछ भी और काम ना करें, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ एक चीज जहन में रखें, अगर कोई भी इवेंट या कंडीशन जिसकी लिस्ट मौजूद है एग्जाम में आ गया, उसको वेरीफाई करने के लिए कम से कम दो प्रोसीजर आपने रेडी रखने हैं। क्लियर जी? चलिए अब थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं नमाज के लिए, इसके बाद फिर हम इफेक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ चलेंगे। जी अब हम चल रहे हैं आईएसए 570 के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो हमें बताता है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, यानी डिफरेंट सिचुएशंस में क्या रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन होगी। तो जो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट हमें बता रहा है उसमें उसने 3 कैटेगरीज बनाई हैं।
अगर इवेंट्स या कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही है जो डाउट क्रिएट कर रही हो, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। पहली चीज मुझे बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि इवेंट्स या कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी ना हो? ये किस सिचुएशन में पॉसिबल है? जब मैनेजमेंट के पास वैलिड प्लान ऑफ एक्शन है और हमने उसको कॉरोबरेट कर लिया होगा, वेरीफाई कर लिया होगा स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करके, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि इवेंट या कंडीशन तो एग्जिस्ट करे लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी ना हो। दूसरी चीज उसने बताई कि इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है और वो मटेरियल अनसर्टेनिटी भी अराइज हो रही है उसकी वजह से। इसका मतलब है इवेंट्स या कंडीशन था और मैनेजमेंट के पास वैलिड प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। और तीसरी सिचुएशन के गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट है, ये सबसे सीवियर सिचुएशन है। तीन सिचुएशन में उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस किया है, ठीक है? तो एक डिस्कस नहीं किया उसने, क्या भला कि जब कोई इवेंट्स या कंडीशन ही एग्जिस्ट ना कर रही हो, वो क्यों नहीं डिस्कस किया? उसकी जरूरत ही नहीं, उसकी वजह से रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। तो पहली ऑप्शन, अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? डिपेंड करता है। बताइए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? इस सिचुएशन में मैनेजमेंट ने क्या करना है? इसको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिपेंड करेगा मैनेजमेंट ने इसे डिस्क्लोज किया है या मैनेजमेंट ने इसे डिस्क्लोज नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने इस इवेंट या कंडीशन को डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इफेक्ट क्या होगा? ओपिनियन कौन सा होगा? क्योंकि कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। लेकिन बताइए क्या ये इवेंट्स या कंडीशन ऐसा था जिसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े? क्या ये इवेंट्स या कंडीशन हमारे लिए सिग्निफिकेंट था? भाई था ना, जिसकी वजह से हमें इस इवेंट की वजह से हमें ये प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़े और इनमें से भी कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े होंगे। तो बताइए जब कोई इवेंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाए क्योंकि उसकी वजह से हमने खसूसी प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, तो उस पे की ऑडिट मैटर में उसे इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? तो मोस्ट प्रोबेबली इस इवेंट या कंडीशन को हम की ऑडिट मैटर में मेंशन करेंगे। हाँ, वो जनरल रिक्वायरमेंट देखेंगे कि वो लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड है। वो ये भी देखेंगे कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर इससे भी ज्यादा अहम कोई मैटर्स होंगे तो फिर इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि नॉर्मली ये की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया जाएगा फाइनल डिसीजन ऑडिटर की जजमेंट पे है, ठीक है जी? अच्छा, और अगर इस इवेंट या कंडीशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैनेजमेंट ने इसे छुपा लिया है, तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? मिसस्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है तो, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स। क्या अब की बार की ऑडिट मैटर आएगा? नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्कस, बेसिस ऑन मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्कस, उस पे की ऑडिट मैटर थोड़ी आएगा। भाई ये पोर्शन क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब इससे अगली स्टेज क्या होती है? जब इवेंट्स या कंडीशन भी हो और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी डिस्कस हो रही हो, हमारा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या? इस सिचुएशन में मैनेजमेंट ने क्या करना होता है? डिस्क्लोज करना होता है। बल्कि अगर मैं स्टैंडर्ड की टर्म यूज करूं ना, तो मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है, मैनेजमेंट ने इसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना है। क्यों? अब एडिक्वेटली या अप्रोप्रिएटली का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि अब की बार सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं बल्कि उसके साथ एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी आएगी। उसके एंड पे ये भी लाइन क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी कि इस इशू की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी है। सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट काफी नहीं है यहां पे। यहां पे तो सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी तो काफी था, लेकिन यहां पे चूंकि डिस्क्रिप्शन के साथ ये बताना भी लाजिम होता है कि ये इवेंट इसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है गोइंग कंसर्न पे, तो हमने टू बी ऑन सेफ साइड ये नहीं लिखेंगे कि इस सिचुएशन में मटेरियल अनसर्टेनिटी को मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करना है, बल्कि क्या लिखना चाहिए? इसे एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है।
अगर मैनेजमेंट ने इसे एडिक्वेट, आपको बताया था ना प्रैक्टिस में कुछ कंपनी डंडी मार जाती हैं, वो इवेंट या मटेरियल अनसर्टेनिटी है इसको डिस्क्लोज तो कर देती हैं, लेकिन आगे ये नहीं बताती कि इसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो रही है, कहीं यूजर देख के डर के भाग ना जाए। ठीक है, तो वो गलत प्रैक्टिस है। सही प्रैक्टिस क्या है, इसको एडिक्वेटली क्लियर डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्लोज करें। अगर मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट देखते हैं, गौर से समझते जाए, एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट है? ओपिनियन कौन सा होगा? अनमोडिफाइड। लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट पे कोई और भी इंपैक्ट होगा? होगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा। अच्छा मुझे बताइए, ये पैरा इस सिचुएशन में क्यों नहीं आया था? हाँ, क्योंकि इसमें इवेंट्स या कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रहा था, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं थी। ये जहन में रखिएगा फर्क, यहां पे चूंकि मटीरियल अनसर्टेनिटी है इसलिए पैरा आ रहा है। क्लियर? और अगर इसको मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, ये क्या होगा? मिसस्टेटमेंट है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। अच्छा मुझे बताइए, यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि उसकी वजह से हमने ओपिनियन मॉडिफाई किया, उसको तो हम बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्कस कर रहे होंगे, तो डुप्लीकेट थोड़े ही करना है भाई। ये वाला सेक्शन समझ आ गया, ये भी सेक्शन समझ आ गया, कंप्लीट कर लो फिर क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तीसरा पॉइंट, जब गोइंग, सबसे स्वेयर, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट कब होगी भला, फिर से बताइए। जब कंफर्म हो जाए कि कंपनी अगले 12 महीनों नहीं चल पाएगी। जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट हो, जरा बताइए स्टार्ट में क्या पड़ा था, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाए? अल्टरनेट बेसिस पे, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, जिसे लिक्विडेशन बेसिस भी कहते हैं, जिसे ब्रेकअप वैल्यू बेसिस भी कहते हैं, उस पे। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई हैं, अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनाई है, यानी जो उसे करना चाहिए था उसने वही किया है, तो हम एज ऑडिटर क्या करेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन साथ ही साथ एमसीस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करेंगे। एमसीस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह से स्पेशल फ्रेमवर्क के मुताबिक बन रही हैं। स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग डिफरेंट है, अब बेसिस ऑफ काउंटिंग गोइंग कंसर्न नहीं है, बेसिस ऑफ काउंटिंग लिक्विडेशन बेसिस है, ब्रेकअप वैल्यू बेसिस है, अल्टरनेट बेसिस है। तो यूजर्स को बताने के लिए कि भाईजान ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे नहीं, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, यहां पे एमसीस ऑफ मैटर पैराग्राफ देंगे। क्लियर? लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा क्यों नहीं आ रहा? शाबाश, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ही नहीं, अब तो सर्टन हो गया। क्या? कि कंपनी डूब जाएगी। देखें, इसमें भी अनसर्टेनिटी नहीं थी इसलिए पैरा नहीं आया, इसमें भी अनसर्टेनिटी नहीं है, क्यों? कंफर्म है कंपनी डूब रही है, कंफर्म हो गया, तो इसलिए पैरा कब आएगा? जब 50-50 सिचुएशन होगी, अनसर्टेनिटी होगी। स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाए, कहते हैं सर यहां पे भी तो गोइंग कंसर्न का इशू है, यहां पे भी तो गोइंग कंसर्न का पैरा आना चाहिए। याद रखे, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड पैरा तो आएगा, लेकिन वो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न नहीं है, वो एमसीस ऑफ मैटर है। उसमें हम ये बता रहे होंगे कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। अब अनसर्टेनिटी का पैरा तब आएगा जब अनसर्टेनिटी होगी, होगी, ठीक है। इसमें भी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मसला है, कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, लेकिन उसको कहां बता रहे हैं? एमसीस ऑफ मैटर में, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब अल्टरनेट बेसिस पे बन रही है। और अगर मैनेजमेंट ने इसे गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर किया, तो सिर्फ, अच्छा यहां पे इफ मटीरियल इफ परवेसिव नहीं किया सीधा, क्यों? शुरू में बताया था कि इसका इफेक्ट हमेशा
प्रवेशी भाई ये बात समझ आई। अच्छा सुन ले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज पूरे स्टैंडर्ड में सब कुछ भूल जाए, दो चीजें नहीं भूलने, क्या? एक कि अगर ये स्पेसिफिक प्रोसीजर कि अगर एग्जाम में इनमें से, ये तो मैंने वो आपको एग्जाम्पल निकाल दी जो उसने पास पेपर में टेस्ट की हुई है, वरना हो सकता है कि आपको जो नोट्स में मौजूद हैं और पास पेपर में उसने टेस्ट नहीं की उनमें से भी कोई एग्जाम्पल दे दे। आपको तैयार रहना है और वो ऐसा ही करेगा कि आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन दे देगा एग्जाम में जो उसने स्टैंडर्ड में से कंडीशन लिस्ट दी हुई है और कहेगा बताओ आप ये गोइंग कंसर्न का इशू है, इसको कैसे वैलिडेट करोगे, कैसे कॉरोबोरेट करोगे, इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो इस स्टैंडर्ड में सबसे अहम चीज क्या है? ये स्पेसिफिक प्रोसीजर। और दूसरे नंबर पे सबसे अहम चीज क्या है? इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। ये दोनों चीजें पास पेपर में दबा के पूछ रहा है, मैं क्लियर, बाकी कोई चीज ना कर, कोई मसला नहीं है, इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं समझ आ गई? अच्छा चलिए जरा क्विक से रिवीजन कर लेते हैं फिर से, ये इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट वाली, इसको मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। इम्प्लीकेशन रिपोर्ट वाली, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट डिपेंड करता है, तीन पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है। मुझे बताया अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? डिपेंड करेगा मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया कि नहीं। अगर मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज कर दिया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑडिटमेंट। अगर मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, मिसस्टेटमेंट है। इफेक्ट मटीरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव तो एडवर्स ओपिनियन। ये साइड पे दूसरी सिचुएशन, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करना है? डिपेंड करता है मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है मटीरियल अनसर्टेनिटी को, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा। और अगर मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। और लास्ट, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टरनेट बेसिस पे बनाई हैं, तो मिस स्टेटमेंट नहीं, ओपिनियन कौन सा? अनमॉडिफाइड प्लस एमसीएम। मैटर पैराग्राफ कब दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग के मुताबिक बनी है, रूटीन के मुताबिक नहीं बनी। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के मुताबिक बनी है, तो सीधा एडवर्स ओपिनियन। और इस सूरत में कोई गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं है। अब सुन लीजिए, आपने जो गलती करनी है ना, वो पता है क्या है? आप मिक्स कर जाएंगे किस सिचुएशन में की ऑडिट मैटर देना है, किस में मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा देना है, किस में एमसीसो मैटर देना है, और किस में कुछ भी नहीं लिखना, इनमें से ओपिनियन मॉडिफाई करना है। ये गलती आप करेंगे, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है आपने, लिखने से पहले सोच लेना है कि ये कौन सी सिचुएशन है। क्लियर जी? चलिए अच्छा, अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए वन बाय वन। इसमें देखे, जब हम इसको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग बेसिस के मुताबिक बनी होगी ना, तो मैनेजमेंट ने अपने नोटशुदा अकाउंट्स में भी मेंशन करना होता है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या सेलेक्ट की है, फ्रेमवर्क क्या सेलेक्ट किया है। तो मैनेजमेंट ने अपने नोटशुदा अकाउंट्स में ये चीज लिखी होगी, उसी को तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं। और चूंकि मैनेजमेंट ने अपनी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिफरेंट कर दी है, तो अकॉर्डिंगली हम जो ओपिनियन दे रहे होंगे उसमें भी हम जब लिखते हैं ना कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, ओपिनियन में लिखते हैं ना दिस फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, तो उसमें भी हम ये फ्रेमवर्क चेंज, हाँ बिल्कुल, मेंशन कर देंगे, उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? जी इस वाली सिचुएशन में, अच्छा देखिएगा, इनका क्वेश्चन ये है
कि सर ये तो कोई एक ही इवेंट या कंडीशन होगा और ये प्रोबेबली एक ही एरिया को इफेक्ट कर रहा होगा, तो इसका इफेक्ट परवेसिव कैसे हो सकता है, ये इसका क्वेश्चन है। मेरा आपसे जवाब देने के बजाय उल्टा एक और क्वेश्चन है, क्या एक ही एरिया में कोई इशू हो वो परवेसिव हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। परवेसिव की डेफिनेशन में दूसरा पॉइंट यही था, इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद रखिए, एक ही एरिया में इशू हो वो भी परवेसिव हो सकता है, इसीलिए उसकी बेस पे हम एहतियातन ये लिखते हैं और हमेशा ये लिखा करेंगे। जब कभी इशू कोई एक एक एरिया में होगा ना, एक ही एरिया में, तो हम एहतियातन लिखा करते हैं ये कि अगर इफेक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। ये जो आपको 705 में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट सिखाया था उसमें ये बात मैंने मेंशन की थी, ठीक है। नहीं, प्लान ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट, लेकिन उसने उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया। असल चीज तो ये है कि यहां पे डिस्क्लोज होना चाहिए था, उसको डिस्क्लोज होना, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। हाँ, अगर डिस्क्लोज कर देता तो फिर हम कुछ भी ना करते, हम परवेसिव क्या मटेरियल का भी मॉडिफाइड ओपिनियन ना देते अगर डिस्क्लोज कर देता। मसला तो इसने डिस्क्लोज, तो हमारी जजमेंट होगी कि क्या इस मसले का इफेक्ट क्या है, क्या इससे यूजर की इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, और डिफरेंट जजमेंट की बेस पे हम वैल्यूएट करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या इफेक्ट होगा। जाहिर है प्रैक्टिकली हमारी जजमेंट या तो ये होगी मटीरियल की या परवेसिव की, दोनों तो नहीं होगी, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में हम दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करते हैं। क्लियर हो गया जी? ये जो रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आपने जहन में रखनी है ये बात कि एक एरिया में इशू जो है वो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। जी, देखें अगर एट टाइम ऑफ रिपोर्ट वो इशू रिजॉल्व हो जाते हैं और गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं रहती तो फिर ये पैराग्राफ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लासिफिकेशन, जिनकी अकाउंटिंग हम बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो सिचुएशंस होती है ना उसके मुताबिक ही करते हैं, ठीक है। ये जब हम सब्सिक्वेंट इवेंट 560 पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको शेयर करूंगा। बाजुकात ऐसा होता है जैसे बैलेंस शीट डेट के ऊपर उन्होंने कोई लोन एग्रीमेंट ब्रीच किया, बैलेंस शीट डेट के ऊपर लोन एग्रीमेंट इन्होंने ब्रीच, इनका क्वेश्चन आपने पिक कर लिया ना, क्वेश्चन इनका ये था कि सर अगर हमने इनिशियली जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे उसमें अनसर्टेनिटी आई, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट इशू करने से पहले पहले वो अनसर्टेनिटी रिमूव हो गई, तो क्या हमें अपनी रिपोर्ट में उसको जिक्र करना चाहिए? तो इसका मैंने वन वर्ड आंसर दिया कि नहीं नहीं, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे यह भी ऐड कर दिया है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई इशू बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन बाद में वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन चूंकि वो नॉन एडजस्टिंग होगा, नॉन एडजस्टिंग हो तो हम उसकी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेट एग्रीमेंट था उसकी वायोलेशन की और बैलेंस शीट डेट पे उस एग्रीमेंट के मुताबिक हमें पेनल्टी पे करनी है, पेनल्टी हमने रिकॉर्ड कर ली, प्रोविजन उसकी पेनल्टी करनी होती है ना, या कोई लॉ की वायोलेशन की उसकी पेनल्टी रिकॉर्ड कर ली, बैलेंस शीट डेट के बाद जो रेलिवेंट अथॉरिटीज थी उन्होंने वो पेनल्टी माफ कर दी। अब बताइए, अभी रिपोर्ट इशू नहीं की हमने, बताइए क्या बैलेंस शीट में ये पेनल्टी रिकॉर्ड होनी, अपीयर होनी चाहिए कि नहीं? स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन, ये रिपोर्टिंग ये कहती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको आपने स्टिल, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी कि वो आपका ये रिवर्स हो जाएगा, इसलिए बैलेंस शीट डेट के ऊपर ये प्रोविजन आएगी, ठीक है। तो याद रखिए कुछ इवेंट्स जो ईयर एंड के बाद अकर होंगे वो एडजस्टिंग होंगे, कुछ नॉन एडजस्टिंग होंगे। गोइंग कंसर्न वाला इशू एडजस्टिंग होता है इसलिए इसको हम एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे इश्यूज होंगे जो नॉन एडजस्टिंग होंगे, उनको हमने फिर एज इट इज रहने देना बैलेंस शीट में। पिक कर गए कंसेप्ट? और की क्वेश्चन जी, और की क्वेश्चन जी जी मटेरियल अनसर्टेनिटी
एग्जिस्ट कर रही है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज तो किया लेकिन एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, यानी जनरल सी बात कर दी, ठीक है, कि जैसा कि आपको पता, हालांकि अपनी हरकतों की वजह से प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, फ्लॉप हुई है, कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, लेकिन वो बजाय ये कि स्पेसिफिक ये इवेंट बताए, वो जनरल स्टेटमेंट बता रहा है। जैसा कि आपको पता है मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी हैं, इसका इंपैक्ट हम पे भी आया है, इसीलिए हो सकता है कि हम गोइंग कंसर्न जो है वो कंटिन्यू ना कर सके, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब ये उसने डिस्क्लोजर तो दिया लेकिन एडिक्वेट नहीं, क्यों? उसने स्पेसिफिक रीजन नहीं बताई जो उसे बतानी चाहिए थी, तो इस सिचुएशन में ये मिस स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन इनका ये है कि इस सिचुएशन में इसको मटीरियल लेंगे कि परवेसिव लेंगे, सेम वही अप्रोच। क्वेश्चन में अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ क्लियरली, हम इफ मटेरियल इफ परवेसिव के साथ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट के ध्यान में ये तो नहीं आ रहा कि सिर्फ मटेरियल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके टाइटल में लिखा हुआ है ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो इफ मटेरियल। और की क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए, यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, फिर मुझे जाने से पहले बता दीजिए, मेरी तसल्ली हो जाए, इस आईएसए 570 गोइंग कंसर्न में दो चीजें ही अहम है, स्पेसिफिक प्रोसीजर, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। स्पेसिफिक प्रोसीजर, इम्प्लीकेशन, और स्पेसिफिक प्रोसीजर हमारे जो उसने इवेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया होगा ना, उसके मुताबिक होने चाहिए, ये जनरल नहीं। जनरल हम सिर्फ उस वक्त लिखेंगे अगर मार्क्स ज्यादा होंगे, वरना हमने स्पेसिफिक लिखने हैं, ठीक है। इन दो में क्वेश्चन आया तो मेरी जिम्मे, हाँ, अगर नहीं, इन दो के अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ना इसमें से, तो फिर मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अगर इन दोनों में क्वेश्चन पूछा, इन दोनों कंसर्ट में, और कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट ना कर पाया, वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो स्टूडेंट की जिम्मेदारी होगी। क्लियर हो गया? तो आपने इसमें और कुछ, वैसे तो सब कुछ तैयार करें जो हमने पढ़ा है, खास तौर पे स्पेसिफिक प्रोसीजर, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।